आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक बहुत ही सुंदर मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, सारे गृहस्थों के लिए एक वरदान के समान है ये मंत्र, यही आप लोग समझ लो। ये मंत्र है गायत्री का, तांत्रोक्त विधि से जो बीज गायत्री है उसका विधान, और इसको करने के बाद एक गृहस्थ को किसी भी तरीके का और तंत्र काट के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी विधान को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे करना है ये विधान, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। एक तुलसी की माला ले लेना या एक चंदन की माला ले लेना। देखो एक चीज़ है, जब आप ऐसे पूजा करो तो कोशिश करो कि सामग्री सही मिले। जो चंदन की माला बोल करके आपको दुकानों में देते, वो चंदन होता नहीं है, रंगा हुआ लकड़ी रहता है। तो चंदन जो घिसने वाला बाजार में मिलता है उसको ले, थोड़ा मेहनत करें, बढ़ई के पास जाएं, उसको कटवाएं और उसमें छेद करके 108 का एक माला बनाएं चंदन का, ठीक है। एक झोला बनाएं जिसमें उसको आप हमेशा रखें। भगवती गायत्री की एक तस्वीर खरीद करके उसको एक छोटे चौकी पर विराजमान कराए, पीले कपड़े को रख के। भगवती के सामने घी का दीपक जलेगा, दो अगरबत्ती जलेगी, जो सक्षम है 5 अगरबत्ती या धूप जलाए, नवेद दें भगवती को, सबसे पहले जल दें, फिर दीपक दिखाएं, फिर धूप दिखाएं, फिर नवेद दें, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, दीपक जलाते वक्त दीपक का मंत्र आप लोगों को बताया था, आया हिम वर दे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदांसी ब्रह्मजनी नमोस्तुते, ऐसा बोल के भगवती का आवाहन करते हैं जब दीपक जलाते हैं। ये सिर्फ भगवती के मंत्र में होता है। इतना करने के बाद भगवती के सामने आप बैठ जाएं और कर्णयास करें। कर्णयास कैसे करते हैं, अंगूठे से अलग अलग उंगलियों को स्पर्श करते हैं, उंगलियों के मूल से ऊपर तक। तो सबसे पहले अंगुष्ठा भ्याम को करेंगे, बीजाक्षराय अंगुष्टाभ्याम नमः, ठीक है। फिर विद्महे तर्जनेभ्याम नमः, फिर तत् प्रधानाय मध्याभ्याम नमः, धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, तन्नः शक्ति कनिष्ठकाभ्याम नमः, प्रचोदयात करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों को छुएंगे। कर्णयास का विधि पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है। फिर हृदयानास करेंगे, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे शरीर के उस भाग को छूना है। तो बीजाक्षर हृदय नमः, हृदय का स्पर्श करेंगे। विद्महे सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करेंगे। तत् प्रधानाय शिखाय वसट, तो शिखा का स्पर्श करेंगे। धीमहि कवचाय होम, वाम हाथ को दक्षिण कंधे पर रखेंगे और जो दाहिना का हाथ है उसको, हथेली को वाम कंधे पर रखेंगे। उसके बाद तन शक्ति नेत्राय वसट, तो मध्यमा को त्रिनेत्र पे रखेंगे और बाकी जो दोनों उंगली है उससे दोनों आँख छुएंगे। प्रचोदयात अस्त्राय फट, दो उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को बाहर निकालेंगे, बाकी तीनों उंगली बंद करेंगे, सर के ऊपर से दो बार घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड पर दो बार ताली बजाएंगे ऐसे। इतना करने के बाद भगवती के सामने 1008 जाप करेंगे, जो बीज मंत्र है उसका। क्या है बीज मंत्र? बीज मंत्र है बीजाक्षराए विदहे तत् प्रधानाए धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात, ठीक है। एक ही बार बोलूँगा, तीन बार में दीक्षित हो जाओगे। तो इस मंत्र को ध्यान से लिख लेना और इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, ठीक है। जब आप भगवती की चौकी लगाएंगे तो उसमें भगवती की चौकी के सामने थोड़ा अक्षत रख लेना, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। और अक्षत रखने के बाद एक तांबे का लोटा रखना और उसमें कुछ मत भरना, बस जब जाप करो तो उस लोटे के जल को देखते रहना। एक बार जब गायत्री का जाप संपूर्ण हो जाए तो भगवती को माला उनके दाहिने तरफ रखते हुए बोलना, गुह्या गुह्या गोपत्रितम गृहणम स्पम कृतम जपम सिद्धेर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धेर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धेर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी।
उसके बाद माला को लेना अपने दोनों आँख में और त्रिनेत्र में सटा करके फिर से झोले में वापस रख देना, ठीक है। अब ये जो कलश है इसको उठा लेना वहां से, और कोई एक मंत्र अपने हिसाब से सूर्य नारायण का चुन लो, अपने शरीर से ऊपर हाथ रखना, दोनों हथेली आपके शरीर मस्तक के ऊपर रहे, और उस मंत्र से इसी जल को सूर्य नारायण को आप अर्पित करना। इससे क्या होगा कि आप शक्तिशाली और धनवान और आपका जो ख्याति है वो समस्त संसार में या फिर जितने लोग आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं उन तक फैल जाएगा। तो ये है गुप्त गायत्री का विधान। देखो गुप्त गायत्री करने का क्या अर्थ है, क्यों करते हैं हम लोग गुप्त गायत्री? गुप्त गायत्री इसलिए करते हैं क्योंकि जो आम जनमानस के लिए जो गायत्री दी जाती है और जो तांत्रिकोत्तर विधि में जो भी मंत्र होता है, गायत्री हो या सप्तशती हो, वो अल्प समय में ज्यादा प्रभावकारी होता है क्योंकि ये पूर्ण रूपेण बीजाक्षर का बनता है। तो आप लोगों में से जो भी कष्ट में है, मैं आप लोगों से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बाकी सब उपाय छोड़ करके और बीज गायत्री का प्रयोग करें। आप व्यापार में या पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर कुंठित महसूस कर रहे हैं या आपके पास धन का, धान्य का, प्रतिष्ठा का कमी हो रहा है, तो आप लोगों के लिए बीज तंत्र गायत्री सबसे उपयुक्त साधना है, ठीक है। तो इस साधना को करो, सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और लाभ पाओ। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें हम आपको आसन बंधन, दिशा बंधन और जो ये धीरे धीरे करके आप अलग अलग साधनाएं सीखते हैं वो साधनाएं बताएंगे, और अघोर की दीक्षा लेने के लायक आपको हम बनाते हैं 3 महीने में। तो जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो जुड़ जाए। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो एक ऐप है, कॉल मी फॉर ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च कीजिएगा तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन पे मुझसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग।